Watch out. तो दोस्तों जैसे आपने एक छोटी सी क्लिप देखी, जो क्लिप मैंने इसी एप्लीकेशन के से है ना रिकॉर्ड करा था। दोस्तों अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो, अगर आप गेम को है ना रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप YouTube के पे अपलोड करना चाहते हो, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको Xiaomi फ़ोन पर ये इनबिल्ट जो स्क्रीन रिकॉर्डर रहते हैं ये आपको हैंग होता है और आपकी लैग के प्रॉब्लम की वजह से आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। ये जो एप्लीकेशन डिस्प्ले पर दिख रहा है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद गाइस कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है। आगे मैं छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दिया हूँ, उन क्लिप्स को देख लेना, मैंने इसी जो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ऐड करा है। कुछ सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को मैं समझा देता हूँ। जो आपको ऑडियो सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियो सेटिंग पे आप लोग इंटरनल ऑडियो डाल सकते हो या फिर इंटरनल जो माइक का जो ऑडियो रहता है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, म्यूट, माइक्रोफोन और इंटरनल ऑडियो, उसके बाद इंटरनल एंड माइक्रोफोन। ठीक है, सिंपली आप इंटरनल एंड माइक्रोफोन पर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इंटरनल पे कर दो, इससे आपका इन गेम का जो साउंड है ये आ जाएगा और साथ ही साथ इंटरनल एंड माइक्रोफोन करोगे तो आपका वॉइस भी और आपका जो वॉइस रहता है आपके गेम का वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इंटरनल एंड माइक्रोफोन। गाइज यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करें तो अगर आपका 4GB से कम का दोस्तों डिवाइस है तो आपको है ना यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन जितना हो सके उतना कम रखना है। मेरी जो 6GB है तो मैं यहाँ पे 720 रखूँगा या फिर यहाँ पे 1080 रख सकता हूँ। ठीक है, ये दोनों में अगर आपका जो भी डिवाइस हो, अगर आपका ज़्यादा रैम वाला है 6GB से ऊपर तो आप है ना 1080p पे के साथ जा सकते हो या फिर 6GB से कम है तो 720 पे रख लेना। ठीक है, ये दोनों रखोगे तो आपकी दोस्तों गेम पे है ना कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब गाइस दूसरी बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी में आप सभी को करना क्या है, जैसे कि मैंने फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर 6GB से ज़्यादा का रैम होगा तो आपको 16 MBPS रख सकते हो। मैं अभी फिलहाल मेरा जो 6GB सिर्फ है तो इसीलिए मैं 14 MBPS रख सकता हूँ। ठीक है, मैं 16 भी रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आपका इंटरनेट क्वालिटी, अगर आपके पास वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हाईफाई में रखो, क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वालिटी अगर आप मोबाइल डाटा से खेलते हो तो लो ही रखना। उसके बाद FPS की बात करें तो यहाँ पर अगर आपकी FPS इंटरनल दोस्तों आप सभी को इंटरनेट बहुत ही बढ़िया है और डिवाइस आपका बहुत ही बढ़िया है तो 60 FPS पे रख सकते हो, या फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ट्राई करना कि आपकी जो क्वालिटी है इंटरनेट की वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनाओ, बेहतर बनाओ और 60 FPS से रहने दो। अगर चाहे आपका 4GB का भी रैम हो, 4GB से अगर कम का रैम हो तो गाइज आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना छोड़ दो, आप अपने डिवाइस को चेंज कर लेना। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को अगर आप लोग फॉलो कर लेते हो तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को जैसे आप लोग है ना सेटिंग्स को फॉलो करने के बाद इस एप्लीकेशन को सिंपली बैक कर देना, एक पॉपअप डिस्प्ले पे आ जाएगा। डिस्प्ले पे पॉपअप आने के बाद सिंपली आपको अपनी गेम को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली है ना पॉपअप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो मैं आप सभी को कुछ क्लिक्स यहाँ पर जो है क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं उन क्लिप्स को आप सभी के सामने पेश करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। No mercy!
of the match is over, and the blue team...